मानव समाचार मानवता के हक। यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग खड़े हैं, मैं आपको इत्तला कर दूं, अगर कोई अधिकारी नहीं आ रहा होगा ऐसा पूछ लो, तो मेरे को रोड जाम करने के लिए आसानी रहेगी। क्या बात है, काली झाड़ी आ गया बड़े, हम तुम्हारे साथ हैं। काली झाड़ी आ गया बड़े, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर ऐसा होगा कि मैं जब तक काम चालू नहीं, अब तक फिर उठूंगा नहीं, मैं बीच रोड पे बैठ जाऊंगा। मैं आपको पहले इत्तला दे रहा, मैंने कारपोरेशन के अंदर भी लेटर दिया हूँ, इन्फॉर्म करा हूँ, अगर वो लोग नहीं आए और काम चालू हुआ, अगर यहाँ के लोगों को अगर आश्वासन नहीं दिया तो मैं रोड पे बैठ जाऊंगा, फिर कितनी भी ट्रैफिक हो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। काली बाजी आ रहा बोलो, हम तुम्हारे साथ हैं। काली बाजी आ रहा बोलो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज यहाँ पर जो हमारा धरना जो दिया गया है इस रोड के ताल्लुक से, आजाद नगर पुलिस स्टेशन से लेके हाईवे तक, ये बाकायदा इस रोड की मंजूरी है और शहर के अंदर कई रोडों की मंजूरी है, और ये किसी के जाति पैसे से रोड नहीं बन रहा, ये हुकूमत का फंड है, कॉर्पोरेशन का फंड है, किसी एमएलए का फंड नहीं है, ये आप लोग अपने दिमाग में डाल लो पहले। महाराष्ट्र हुकूमत का फंड है और 30% म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का फंड है। जब 100 करोड़ रुपए की मंजूरी आई थी, इस शहर के अंदर बड़े बड़े बोर्ड लगे थे, हमारे शहर के एमएलए साहब ने बड़ा बोर्ड लगाया था, 100 करोड़ रुपए की मंजूरी शहर के अंदर, लेकिन आप लोग को शायद पता नहीं है, जब 100 करोड़ रुपए का जब बजट आया महाराष्ट्र हुकूमत से, तो कॉर्पोरेशन का 30 करोड़ रुपया उसके अंदर लगना था और 70 करोड़ रुपया महाराष्ट्र हुकूमत का। जब 30 करोड़ रुपया जब हमारा लग रहा कॉर्पोरेशन का, तो हमारे हिस्से में सिर्फ 7 करोड़ रुपया आया, 7 करोड़ रुपया। हमारे शहर के आमदार, उनको कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ ये चाहते कि नदी के उस पार का इलाका कैसे डेवलप हो, वो दादा भूसे साहब उनको जैसा बोलेंगे वो वैसा ही नाचेंगे। वो जैसे एक होता है ना मदारी, एक बंदर के जब खेल बताता है तो मदारी जब वो बंदर को जब लकड़ी मारता है तो उछल पुछल करता है वो बंदर, तो हमारे यहाँ के आमदार भी ऐसे ही कर रहे, दादा भूसे साहब जैसी लकड़ी मार रहे वैसे उछल पुछल कर रहे हो, वैसे ही काम कर रहे हो। इस इलाके के लोगों से उनको कोई लेन देन नहीं है, उनको वोट होना सिर्फ वोट, मैं आऊं मेरे आस्ते आऊं, मैं वोट मांगू, मेरे को वोट दे दो, तुम्हारे रोड का काम हो रहे नहीं हो रहे मुझे उससे कोई परवाह नहीं है, शहर के अंदर कितने खड्डे है उससे मुझे कोई परवाह नहीं, शहर के अंदर कितनी नशे वाली चीज बिकती है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरे को माल कहां से मिले मुझे ये सिर्फ बता। उनके पीए को बोल देते पहले से फोन लगा दोगे, पैसा हुआ नहीं बोले अभी तक, अब जो भी उसका पीए होगा बाकायदा माल जमा करके देता। अब मुझे ये बताओ, जब इस रोड को आप लोग ने खुद देखा और आपके इलाके के अंदर दादा भूसे साहब भी आए, यहाँ के एमएलए साहब भी आए, और यहाँ के जो अपने आप को समझते हम बहुत भारी लोग है, भाई लोग है, तो वो भी थे, बड़ी शान और शौकत के साथ इस रोड का इफ्तिताह किया गया, साल भर हो गया आपको पता है, लेकिन रोड का काम क्यों नहीं चालू हो रहा ये क्यों नहीं पूछते आप लोग। ये शहर के एमएलए से और यहाँ की जो सफेद रिश्ता है वो इस रोड से गुजरते है कि उनको ये रोड का खड्डा नहीं दिखाई देता, इस रोड जो खराब है उनको नहीं दिखाई देती। अभी आपको ना जाने दीन हदीस की बात बता के मस्जिदों के अंदर बयान करके आपकी लोट हासिल कर लेंगे, लेकिन रोड बने ना बने उनको उससे कोई मतलब नहीं है। शहर के अंदर सब तरफ काम चालू, आज इस इलाके के अंदर मुझे एक भी ऐसी रोड बता दो क्या, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने एक रोड बना के दी, ये मेरे बड़े भाई एजाज बेग की मेहरबानी कि वो अल्लाह के बंदे को अल्लाह अच्छा रखे, उसने ये रोड बना के दिया सुलेमानी मस्जिद से लेके आज खानकाह सरबिया तक।
अरे वो तो एक मेंबर भी नहीं है। अरे तुम जो आमदार है आपको सिर्फ उद्घाटन करना आता है, अरे लड्डू खिलाना आता है। मुक्ति साहब ऐसा समझते है पिक्चरों के जैसा कि यार मैं इधर से कुआरी मारूंगा और चलते जाऊंगा उधर से बोला रोड बनते रहेगा बोले। वो समझते रोड बन जो भी मालूम नहीं है, लेकिन हम शहर के लोगों को ये चीज बताना पड़ेगी क्या मुक्ति साहब साल भर हो गया आपको हरे लड्डू में भी लोटा खिलाए नहीं लो तोला गया। आपने यहाँ पे बड़ी आलीशान तुम लोगों ने यहाँ पे जलसा लिया था, इस रोड कहाँ गई? कहीं ऐसा तो नहीं ये पानी की टाकी और मुफ्ती साहब ने आधा था बांट लिए? असल में यहाँ के लोग ऐसा मैं सुना हूँ, ऐसा मैं सुना हूँ क्या यहाँ के लोग बहुत डरते हैं किसी यहाँ के कुछ लोगों से। तो मैं बोलता हूँ डरने उड़ने की जरूरत नहीं। अरे वो 10 मारे अपन एक ही मारने का पूरा पानी उतर जाएगा। अभी तक उनको पड़ी नहीं थी, अब पड़ी तो समझ में आई होंगे। हाँ तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, यहाँ के जितने भी आई भाई दादा जो भी है डरना उड़ना नहीं, डेरिंग से पूछना भैया बहुत बड़ा जलसा लिया था रोड बनाता क्या? वो दादा से भी पूछना मेरे बरब्बा से, बरब्बा रोड कब बनी? एक हमारे इधर रहता उल्टा पे बकरी का डॉक्टर बोलता उसको माया गया बकरी का डॉक्टर बोलता मास्टर बोलता ना बोले बकरी का डॉक्टर है गाय का डॉक्टर है अभी तक किसको दवा गोली नहीं दी उसने। तो बकरी का डॉक्टर है उससे भी पूछना भैया रोज क्यों नहीं बोले मतलब बकरी का डॉक्टर बोला। और हमारे मुफ्ती साहब भी अगर आपके यहाँ पे अगर कुछ इलाके में अगर आए और कोई प्रोग्राम लिए तो मुफ्ती साहब से पूछो मुफ्ती साहब रोड क्यों नहीं बन रही? साल भर हो गया अब इलेक्शन लगने वाले आचार संहिता लगने वाली है फिर आपको वही जैसा अभी आचार संहिता लगी है आचार संहिता के बाद मेरे काम होगा अब नवा झूठ दे देंगे तुम्हारे को। तो आप लोग गुजारिश करता हूँ आप लोग जाए वही रहो। और पुलिस डिपार्टमेंट से फिर एक बार बोल रहा हूँ मैं अगर कारपोरेशन के अधिकारी नहीं आए टाइम बता दे रहा हूँ 4:14 हो रहा है मेरे को यहाँ पे 4:35 अधिकारी होना नहीं तो मैं बीच रोड पर बैठ जाऊंगा। 4:35 मैं आपको 21 का टाइम दे रहा हूँ मैं बैठ जाऊंगा मैं वापस से बोल रहा हूँ बैठ जाऊंगा मैं रोड पे। और जब तक रोड का काम चालू नहीं होगा जब तक मैं उठूंगा नहीं मैं पुलिस डिपार्टमेंट से बार बार विनती कर रहा हूँ मैं रोड के ऊपर बैठ जाऊंगा। आपको भी जो कार्रवाई करना है करो, कार्रवाई से हम डरते नहीं, हम कायदे में रह के कोई भी काम कायदे में रह के करते और किसी से झूठ फसाद ये सब भी नहीं बोलते। हमारे पास अगर कोई चीज का प्रूफ रहता उसकी बुनियाद पे ही हम लोगों हम बोलते हैं उसके ऊपर प्रूफ की बुनियाद पर। हमको मर्दांगा सियासत आती है, मस्जिद और मदरसे की सियासत हम लोगों को नहीं आती। जो इमाम खतीब और इमाम ताहयात मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब जामा मस्जिद के ताहयात तक इमाम है, यानी अल्लाह का जरा भी उनको डर और खौफ नहीं है। मस्जिद के मेंबर से कल जुमेरात के रोज दर्स कुरान चल रहा था और दर्स कुरान के अंदर उन्होंने ये कहा कि शेख आसिफ साहब उसके अंदर पार्टनर है और शेख आसिफ साहब के घराने के लोग उसके अंदर पार्टनर है। मैं हल्फिया बयान बोलता हूँ अल्लाह रसूल की कसम, अल्लाह रसूल की कसम, फिर एक बार अल्लाह रसूल की कसम, हमारा 1 रुपये का क्या गया, 10 रुपये का क्या गया, 1 करोड़ रुपये का 1 रुपये का भी हिस्सा नहीं है। न तो मुफ्ती साहब ने हल्फिया बयान मेंबर पे खड़ा रहेगा कुरान शरीफ लेके बोलना कि हम लोगों का उसके अंदर पार्टनरशिप है, हम सियासत छोड़ देंगे पूरा घराना सियासत है तुम्हारी खिदमत ऐसे ही करेंगे। हमारे को इस फालतू काम हमको आता होता नहीं। असल में मुफ्ती साहब की बबलाट ये है ना क्या उनको कमीशन नहीं मिला अंडरग्राउंड गड़वाले से कमीशन नहीं मिला कमीशन उनकी बबलाट ये है बबलाट। और जो हम ये धरना आंदोलन जो दे रहे पूरे शहर के अंदर और जहाँ जहाँ काम चालू हो जा रहे तो उनकी बबलाट है ये तो बबलाट के अंदर चिल्लाट पुकार कर रहे हो। हम जब तक का कारपोरेशन के मैं बार बार बोल रहा हूँ कारपोरेशन का बड़ा अधिकारी आने वाला छोटा मोटा अधिकारी नहीं चलेगा।
बड़ा अधिकारी यहाँ अनोना। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ मैं आपको,